नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का जो काम है इसको डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अपने अंदाज़ में बयान किया है तो डिफरेंट ऑथर्स से जमा करके तो एक जगह पे एक इंटीग्रेटेड इसका साइकिल बनाया गया है उस साइकिल को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको हम एग्रीगेटेड के साइकिल कहेंगे इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफाई नॉलेज एट रिस्क कि नॉलेज जो रिस्क पे है कि जिसको हम क्रिटिकल समझ रहे हैं जिसे हम महफूज़ करने का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है इसकी मिसालें क्या हैं पोजेस्ड बाय वेरी फ्यू एम्प्लॉयज़ के थोड़े से लोगों के पास है तो अगर वो छोड़ गए या रिटायर हो गए तो फिर क्या बनेगा डिफ़िकल्ट टू हायर सम वन टू डू दिस कि किसी को हायर करना मुश्किल है जो इस काम को करे डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टू ट्रेन सम वन टू डू दिस ये काम के नेचर ऐसी है कि किसी को ट्रेन करना या काम सिखाना डिफिकल्ट हो सकता है या ज़्यादा टाइम ले सकता है तो इस किस्म का जो नॉलेज है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के रिजल्ट में हमारे सामने आएगा इसे हम क्रिटिकल नॉलेज कर रहे हैं या नॉलेज एट रिस्क कह रहे हैं उसके बाद है आइडेंटिफाई लोकेशन और कंटेनर्स ऑफ दिस नॉलेज कि ये नॉलेज कहाँ पे है ये किन के पास है वाट परसेंटेज इज़ एक्सप्लिसिट एंड वट परसेंटेज ज टेस्ट जो नॉलेज हमारे इदारे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो नॉलेज टेसड कितना है एक्सप्रेसिड कितना है और अगर टेस्ट है तो फिर किन लोगों के जेनों में है उसके बाद स्टेप है जी कि आइडेंटिफाई हू इज द दिफाई हू द रेसिपियंट ऑफ दिस नॉलेज विल बी कि कौन लोग होंगे जिनको यह नॉलेज सिखाना है आर दे नोन इफ नॉट कैन वी डाइव अ जनरल प्रोफाइल वर्ट क्रैफ्टिस्टिक्स कैन वी आइडेंटिफाई वो कौन लोग हैं सीनियर हैं जूनियर हैं या किस लेवल के हैं न्यूली हायर्ड हैं या जो पहले काम कर रहे हैं कई सालों से वो लोग हैं कि सिखाना है किस बुनियाद पे हम ये लिस्ट बनाएंगे कि हमने ये काम किन लोगों को सिखाना है उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट नॉलेज ट्रांसफर मैकेज़म और चैनल कि किस तरीके से सिखाना है फॉर एग्ज़ाम्पल हाई बैंड विद चैनल्स सच एज़ वीडियो स्टोरीज़ फॉर टेस्ट नॉलेज प्रोसीजरल मैनुलॉर समेसिड नॉलेज कि जिस नॉलेज को हमने क्रिटिकल नॉलेज करार दिया उस नॉलेज को हमने आ, उसको मुख्तल ऑनलाइन तरीकों से या मैनुलल तरीक़ों से हमने सिखाना है तो वो चैनल्स कौन से होंगे तरीके क्या होंगे ऑडियो वीडियो यूज होगी या किसी और तरीके से आपने सिखाना है उन तरीक़ों को आप सिलेक्ट करें आइडेंटिफाई करें उसके बाद डिज़ाइन नॉलेज ट्रांसफ़र शेड्यूल एक शेड्यूल बनाएं जैसे किसी भी प्लान में या किसी भी स्ट्रेटजी में बनाया जाता है उस तरह का एक शेड्यूल बनाएं कि कब कौन सा काम किसने करना है डेवलप मैट्रिक्स टू असेस हाउ वेल नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड कि नॉलेज की ट्रांसफ़र का जब आप काम करेंगे तो उसके लिए कुछ आप एवेलुएशन या असेसमेंट के मैट्रिक्स भी बनाएंगे कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो काम कितने अच्छे तरीके से हो रहा है उसके बाद है ब्रीफ रेसिपियंट्स ट्रेन टीम इफ़ नीडेड कि जिन लोगों ने नॉलेज हासिल करना है उनकी आप एक ब्रीफिंग करेंगे उनको आप गाइड करेंगे कि आपने इस इस प्रोग्राम में किस तरीके से हिस्सा लेना है उसके बाद है कंडक्ट नॉलेज ट्रांसफ़र अब वो सेशंस हैं वो वर्कशॉप्स हैं या कोई लिटरेचर की मदद से आप वो नॉलेज उन तक शिफ्ट करेंगे या कोई स्टोरी टेलिंग के सेशन करेंगे तो अब आप उसको एक्चुअली कंडक्ट करें और इसके इसके बाद क्या है कि आप वैलिडेट करेंगे वैलिडेट नॉलेज elicited इसका मतलब ये है कि आपने वैलिडेशन करनी है कि जो नॉलेज सीनियर से टेस्ट की फॉर्म में खास तौर तो पर आया है वो नॉलेज जो है वो सही है उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया गया है यानी जो वो साहब बताना चाहते थे उसी को लोगों ने अंडरस्टैंड किया है तो इसके अपने तरीके हैं इन तरीक़ों को भी आपने सीखना है और इस काम में अप्लाई करना है और इसमें अगला स्टेप है इंश्योर रेसिपियंट्स कैन अप्लाई नॉलेज कि जो नॉलेज आपने ट्रांसफ़र किया है रेसिपियट्स पे कि आप अप्लाई करने के काबिल हो गए हैं वेयर पॉसिबल एज़ इट विल नॉट ऑलवेज़ बी फिजिबल टू हैव द सक्सेसर मीट विद द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन अक्सर तो ऐसा होता है कि जो शख्स छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन उसकी जगह जिसने उसकी जगह दूसरे शख्स ने ली है उनकी आपस में मुलाकात तक नहीं होती तो ये इदारे का काम है या नॉलेज मैनेजमेंट के जो मैनेजर है उसका ये काम है कि वो उस सीनियर का नॉलेज लेके जूनियर को ट्रांसफर करे और साथ ये भी इंश्योर करे कि वो सीख गया है और वो अप्लाई कर सकता है इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेयर असेस इफेक्टिवनेस ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र कि पहले उसने मैट्रिक्स का फ़ैसला किया था अब उन मैट्रिक्स को यूज़ करके तो वो असेसमेंट करे कि कितने अच्छे तरीके से वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है जैसे इंक्रीज प्रोजेक्ट कम्पलीशन सक्सेस प्रॉब्लम सॉल्व फास्टर फ्यूअर क्वेश्चन आस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स किस तरह से उस नॉलेज ट्रांसफ़र का फ़ायदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है कि क्या कोई एफिशिएंसी बढ़ गई है कोई इफ़ेक्टिवनेस बढ़ गई है प्रॉब्लम कम आते हैं या किस तरह क्वेश्चन पूछने कम हो गए हैं किस तरीके से जो है उसको असेस करें और इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रिजर्व द एलिसिटेड नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी इन सच अ वे दैट इट इज़ ईज़ी टू री इन द फ्यूचर कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉज़ थे उनको तो आपने सीनियर्स का नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन जब वो आपके पास नॉलेज आ गया तो अब आपने उसे डाक्यूमेंट करके अपनी रिपॉसिटी में, में उसमें महफूज करना है ताकि सीनियर तो जा चुके हैं इसके बाद जो फ्यूचर में नए हायर्स आएंगे उन तक आपने वो नॉलेज कैसे पहुंचाना है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी तैयार करें एक डेटाबेस या एक रिपोसिटी की शक्ल में कि वो नॉलेज फ्यूचर के लोगों तक पहुंच सके